जैसा कि पंच सर्वेश्वर नारी माँ नर्मदा के घाटों की कथा माँ नर्मदा के घाटों की कथा सुनेंगे। बड़ी अच्छी अच्छी कथा का सदन करेंगे। शीतानी घाट होशंगाबाद, जो होशंगाबाद नर्मदा जी के पश्चिम में स्थित होशंगाबाद नगर, यहां शीतानी घाट कैसे बना? होशंगाबाद का नाम पूर्व में अभी तो बाद में फिर से रख दिया गया नर्मदा जी पूरम, इसके पूर्व में भी नर्मदा जी पूरम ही था, लेकिन यहां पर मुगल बादशाह हुसंग शाह जो आए थे, जिनका नाम था हुसंग शाह, उसने होशंगाबाद नर्मदा जी पूरम राजधानी बनाया था, उसे अपनी यहां की राजधानी बनाया था, इसलिए उसका नाम होशंगाबाद रखा गया। और एक अंग्रेज अधिकारी एवी एक्टर जो नर्मदा जी की परिक्रमा कर रहे थे, अंग्रेज होकर भी नर्मदा जी की महिमा को जानते थे, इसलिए नर्मदा जी परिक्रमा के लिए निकले। जब नर्मदा जी परिक्रमा करते करते होशंगाबाद में पहुंचे, यहां विश्राम किया, रुके, यहां का दृश्य देखा कि यहां सब नगरवासी नर नारी दूर दूर से आते हैं, यहां का जल ले जाते हैं, यहां पूजा पाठ करते हैं। उनके मन में विचार उत्पन्न हुआ कि क्यों यहां पर एक घाट बनाया जाए। उसी की निगरानी में यहां पर शेठानी घाट बनाने की सोची, और यहां की घाट की जो निर्माण हुआ उसमें जो संपत्ति लगाई है जानकी बाई शेठानी, उनकी संपत्ति यहां पर लगाई गई थी, इसलिए उसका नाम शेठानी घाट रखा गया। आगे आप भजन के माध्यम से कथा नहीं बताएंगे। विश्वनाथ के दूर की बात, जिनके दर्शन से ही पाप संताप मिट जाते हैं। Because
हजार चंदन से माँ नर्मदा के हर हर घाट की यही महिमा है। लेकिन शेखानी बाग जहाँ लोग मुंडन संस्कार करते हैं, अपने पूर्वजों का संस्कार करते हैं, ऐसी माता बिने हमारे बहुत ही कुशल मन संचालक हमारे क्षेत्र के हमारे परम सम्मानी राम सेवक जी चौधरी मलखेड़ी देवी पधार चुके हैं। मैं उनका बहुत बहुत वंदन अभिनंदन करता हूँ और वो आए और यहाँ मंचासीन हो गए। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ परम सम्मानी राम सेवक जी चौधरी, कई बार कहते हैं हमारे गांव में कहावत होती है कहां तुम्हें लड़के गांव में टुका। कई लोग हमारी माँ नर्मदा के आसपास रहने के बाद भी माँ नर्मदा के पराक्रम को नहीं जानते कि माँ नर्मदा क्या है। क्यों है उनसे माता के
रावण के द्वारा माता जानकी का हरण हो जाता है। माता जानकी ऐसे राधिका में विलाप करती है, रुदन करती है, अपने स्वामी को याद करती है, कहती है कि स्वामी आज ये किस्मत ने क्या हाल कर दिया। जो अयोध्या के राजा बनने वाले थे, अयोध्या के राजा थे, आज पद पद भटक रहे, इसके बाद भी अपने स्वामी का मुझसे दामन छुड़ा लिया। क्या हाल कर दिया है। जो अयोध्या के राजा बनने वाले थे, अयोध्या के राजा थे, आज पद पद भटक रहे हैं, और इसके बाद भी मेरा स्वामी का मुझसे दामन छुड़ा दिया। विलाप करती ही क्या कहती है, उसी
लंका में हम तो साधु समझ कर शिक्षा देने के लिए मर्यादा रेखा को लांघ कर बोल रहे हैं। पति अपनी गलती पर पश्चाताप करती है, क्या कहती हम तो साधु समझ कर शिक्षा देने के लिए मर्यादा रेखा को लांघे थे, क्या कहती है? वो हम तो थे हम लघु परी तो साधु समझ कर